चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को ही परिणाम आएंगे। ये सीट महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के कारण खाली हो गई थी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर वोटिंग इन जगहों पर होगी। श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ 12 में चुनाव होना है।